दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं दिल्ली के MCD स्कूलों में 5,250 पदों पर शिक्षक भर्तियों के बारे में। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लोग ये ट्वीट देख सकते हैं जो कि आज 14 अप्रैल शाम 4:16 का है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है, अशोक अग्रवाल जी की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है कि 5,250 टीचिंग पोस्ट, जिसमें से हेडमास्टर प्रिंसिपल के 509 पद हैं, 2,683 जो पद हैं वो प्राइमरी टीचर के हैं, 2,521 पद जो है नर्सरी टीचर के हैं, 37 पद स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के हैं। ये ऐसे शिक्षकों के पद हैं जो MCD के स्कूलों में इस वक्त खाली चल रहे हैं। और ये ऑफिशियल एफिडेविट जो है MCD ने खुद दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया, जिसके माध्यम से ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। आप लोग जानते होंगे दिल्ली में सरकारी शिक्षकों के पदों को भरने को लेकर के वहाँ पर कंटेम्प्ट पटिशन डाली गई है, जिसमें ये चीज़ें साफ तौर पर आप लोग दे सकते हैं। MCD ने खुद बताया है कि यहाँ पर इतने शिक्षकों के पद खाली हैं, तो आने वाले टाइम पर इन पदों के विज्ञापन देखने को आपको मिलेंगे। खास बात ये यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जो पद देखिए वो नर्सरी टीचर और प्राइमरी टीचर के यहाँ पर पद हैं। ये डाटा कहाँ का, MCD का केवल डाटा है, DOE का डाटा अलग है। कल ही मैंने आपको DOE के डाटा के बारे में बताया था, जिसमें करीब 20,400 के आसपास पद खाली हैं। इन सभी पदों पर आने वाले टाइम पर भर्तियां देखने को मिलेगी आपको दिल्ली के अंदर। अगर आप दिल्ली में शिक्षक बनना चाहते हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे विज्ञापन 2023 में आपको DSSSB के माध्यम से देखने को मिलेंगे। एक यहां पर और आज एक न्यूज निकल के आई, अपडेट निकल के आई, जिसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि 5 मई तक ये विज्ञापन देखने को मिलेंगे कई सारे पदों पर। हालांकि मुझे उसका अभी तक आदेश नहीं मिला, इस वजह से इस वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगा, किसी अगले वीडियो के माध्यम से पूरी रिपोर्ट में आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे साथियों को उस पर यकीन नहीं होगा। तो बेहतर होगा कि मैं आपको प्रूफ के साथ सारी चीज़ें बताऊं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो उस न्यूज़ को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर 5,250 पदों पर भर्तियों के बारे में अपडेट आप लोग देख सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं अशोक अग्रवाल जी को, तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, इनके ट्विटर हैंडल में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि प्रैक्टिसिंग लॉयर एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली हाई कोर्ट में है, ठीक है। और ये जो है राइट टू एजुकेशन और इन सब मामलों को लेकर के लगातार जो है वकालत करते रहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम अगली अपडेट के बारे में। यहाँ पर अगली अपडेट है यूपी में आने वाले 4 विज्ञापन। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ UP SSSC से आने वाले 4 विज्ञापनों के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि UP SSSC में जो भी भर्तियाँ होती हैं अब PET के माध्यम से करवाई जाती हैं। PET 2021 के माध्यम से कई सारी भर्तियाँ आपके सामने हैं, जैसे कि लेखपाल भर्ती और भी कई सारी भर्तियाँ। लेकिन अगर बात करें हम लोग PET 2022 से, तो अभी तक कोई भी भर्ती का विज्ञापन PET 2022 से जारी नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें अगले 2-3 महीनों में आपके पास PET को लेकर के कई सारे विज्ञापन देखने को मिलेंगे। यानी PET 2022 से करीब 4 विज्ञापन लगातार लाइनअप में हैं। ये विज्ञापन आगे पीछे आ सकते हैं, लेकिन ये विज्ञापन बहुत ही फास्ट आ रहे हैं, आप लोग जान लीजिए। तो कौन कौन से विज्ञापन है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए PET 2022 से आने वाले विज्ञापन। इसमें पहला है कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का विज्ञापन, जिसको आप लोग AGTA के नाम से जानते हैं, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। दूसरा जूनियर असिस्टेंट भर्ती, 3,000 से 4,000 पदों के आसपास जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है। इसके बाद लेखा लिपिक अकाउंटेंट की भर्ती है, और एक बहुप्रतीक्षित भर्ती वीडियो भर्ती 2023, ये भर्ती भी आपको PET 2022 के माध्यम से देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी लाइनअप में 4 विज्ञापन, इसके अलावा और भी कई सारे विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं PET 2022 से। तो जो भी अभ्यर्थी UP SSSC से PET क्वालिफाई हैं 2022 वाला, वो लोग इन भर्तियों की तैयारी निश्चित रूप से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।